Dear students, today we will discuss question number 7 and 8 of exercise 15.3, area of the shaded portion. There is a quadrant. Quadrant kya hota hai? 1/4 part of a circle. Quadrant, ABMC. A quadrant, 14 centimeter radius ka ek quadrant draw kiya. 14 centimeter रेडियस लेकर ये क्वाड्रेंट ड्रॉ किया. इसको अगर कंप्लीट ऐसे ये राउंड कंप्लीट कर दें देन ये सर्कल हो जाएगा. मीन ये 1/4 पार्ट ऑफ द सर्कल है. 1/4 पार्ट ऑफ द सर्कल. क्वाड्रेंट का नियम है ए बी एम सी. क्वाड्रेंट ए बी एम सी विद रेडियस 14 सेंटीमीटर. इसकी रेडियस जो है वो 14 सेंटीमीटर है. नाउ अब क्या किया, एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया. टेकन बीसी एज डायामीटर. बीसी को डायामीटर लेकर एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया. ये सेमी सर्कल ड्रॉ किया. टेकन बीसी एज डायामीटर सेमी सर्कल. ये पॉइंट है. नाउ फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन. ये जो शेडेड पोर्शन है इसका एरिया आपको फाइंड करना. हाउ कैन वी फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन. कैसे फाइंड करें शेडेड पोर्शन का एरिया. ये जो सेमी सर्कल जो है, ये सेमी सर्कल बी एन सी बी, इसमें से ये वाला पार्ट, ये ब्लैंक पार्ट बी एम सी बी माइनस कर दो. मीन योर रिक्वायरमेंट इज एरिया ऑफ सेमी सर्कल. इस सेमी सर्कल का एरिया होना चाहिए, फिर एरिया ऑफ बी एम सी बी होना चाहिए. बी एम सी बी सेमी सर्कल में से माइनस कर दो. बस बी एम सी बी ये वाला पार्ट कैसे फाइंड करें. बी एम सी बी ये बी एम सी बी ये वाला पार्ट कैसे फाइंड करें. बिकॉज सेमी सर्कल में से आपको बी एम सी बी माइनस करना है. सो क्वाड्रेंट जो है ना, ये क्वाड्रेंट, इस क्वाड्रेंट में से ये राइट एंगल ट्राइंगल माइनस कर दो. क्वाड्रेंट में से ये राइट एंगल ट्राइंगल जो है वो माइनस कर दो. एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सेमी सर्कल हाफ पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट मीन 1/4 पार्ट ऑफ द सर्कल, 1/4 पाई आर स्क्वायर. क्वाड्रेंट की रेडियस गिवन है. नाउ क्वेश्चन नंबर 7, रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट. किसकी रेडियस, क्वाड्रेंट की रेडियस आर गिवन है 14 सेंटीमीटर. क्लियर. एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इज इक्वल टू 1/4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 22/7 आर रेडियस ऑफ द क्वाड्रेंट. क्या है रेडियस क्वाड्रेंट की, 14. 14 मल्टीप्लाई 14, 7 से 2 टाइम, 2 से 2 टाइम कैंसिल एंड 2 से 7. 22 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू 154 सेंटीमीटर स्क्वेयर. एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट, ये क्वाड्रेंट का एरिया कौन से वाला, ए बी एम सी बी. क्वाड्रेंट पे से राइट एंगल ट्राइंगल माइनस कर दो देन बी एम सी बी का एरिया आ जाएगा. सो एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, बिकॉज ट्राइंगल ए बी सी इज राइट एंगल ट्राइंगल. राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, हाफ बेस इंटू हाइट. हाफ बेस मल्टीप्लाई हाइट, हाफ 14 मल्टीप्लाई 14, 2 से 7 टाइम कंसर्व, 98 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो एरिया ऑफ कौन से वाला पार्ट, बी एम सी बी, बी एम सी बी, बी एम सी बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी. क्वाड्रेंट का एरिया जो है वो 154 है, माइनस 90
8. क्लियर है? ये जो क्वाड्रेंट जो है उसमें से राइट एंगल ट्राइंगल जो है वो माइनस कर दें, क्वाड्रेंट में से माइनस कर दें राइट एंगल ट्राइंगल, रिमेन 56 सेंटीमीटर स्क्वायर. नाउ आपके पास है एरिया ऑफ बी एम सी बी. नाउ फाइंड द एरिया ऑफ सेमी सर्कल. सेमी सर्कल में से बी एम सी बी माइनस कर दो, रिमेन एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन. सेमी सर्कल, वी नो दैट बी सी इज द डायामीटर ऑफ सेमी सर्कल. बी सी सेमी सर्कल का डायामीटर है एंड आपके पास बी सी नहीं है. बी सी फाइंड करो इन ट्राइंगल ए बी सी. इन ट्राइंगल ए बी सी बिकॉज बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर. बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, 14 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर. वी नो दैट अब 14 स्क्वायर ओपन मत करो आप इस ब्रैकेट को. वी नो दैट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, सेम 14 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई 14 स्क्वायर. We know that x square plus x square is equal to 2x square. So 14 square plus 14 square is equal to 2 multiply 14 square. And BC is equal to root find karo. 14 square ka root jo hoga square root 14 hoga aur 2 ka root under root 2 hoga. BC is equal to 14 under root 2 centimeter. Now we know that BC is the diameter of semicircle. So radius. रेडियस ऑफ सेमी सर्कल, आपका जो सेमी सर्कल जो है ना इसकी रेडियस क्या होगी. सेमी सर्कल कौन सा है, ये वाला बी एम सी बी. रेडियस ऑफ सेमी सर्कल कैपिटल आर इज इक्वल टू, ये डायमीटर है 14 रूट 2 बाई 2 इज इक्वल टू 7 रूट 2 सेंटीमीटर. क्लियर? रेडियस ऑफ सेमी सर्कल, रेडियस ऑफ सेमी सर्कल. नाउ एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल इज इक्वल टू हाफ सेमी सर्कल, हाफ पाई आर स्क्वेयर. आर सेमी सर्कल रेडियस जो है वो आपने लेट किया कैपिटल आर, 7 रूट 2, हाफ पाई 22 बाय 7 मल्टीप्लाई आर 7 रूट 2 स्क्वेयर. हाफ 22 बाय 7 स्क्वायर ऑफ 7 49 एंड स्क्वायर ऑफ रूट 2 अंडर रूट 2 का स्क्वायर क्या होगा 2. 2 से 2 कैंसिल आउट, 7 से 7 टाइम 22 मल्टीप्लाई 7 154 सेंटीमीटर स्क्वायर. यह है एरिया ऑफ सेमी सर्कल. एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन, नाउ एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन, जो आपका शेडेड पोर्शन है उसका एरिया क्या होगा. एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ बी एम सी बी. एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ बी एम सी बी. एरिया ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल का एरिया है 154 माइनस एरिया ऑफ बी एम सी बी 56. 154 minus 56 is equal to 98 centimeter square. Area of the shaded portion. Clear diagram hai? Find the area of the shaded portion. Ye shaded portion jo hai wo is semicircle mein se aap BMCB part minus kar do. Mean you have to find the area of semicircle. Aapko semicircle ka area find karna hoga aur BMCB find karna hoga. BMCB kaise find kare? Quadrant jo hai ye quadrant hai. इस क्वाड्रेंट में से माइनस कर दो राइट एंगल ट्राइंगल. राइट एंगल ट्राइंगल क्वाड्रेंट 1/4 पार्ट ऑफ द सर्कल, 1/4 पाई आर स्क्वायर एंड रेडियस गिवन है 14 सेंटीमीटर. रेडियस का क्वाड्रेंट ड्रॉ किया है, देन 1/4 पाई आर स्क्वायर क्वाड्रेंट एरिया, उसमें से माइनस को एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल हाफ बेस मल्टीप्लाई हाइट. क्वाड्रेंट में से आपने ट्राइंगल माइनस किया, रिमेन बी एम सी बी. नाउ सेमी सर्कल में से बी एम सी बी माइनस करो, बट सेमी सर्कल का एरिया फाइंड करना होगा. सेमी सर्कल का एरिया कैसे फाइंड करोगे आप? सेमी सर्कल जो है इसका बी सी डायामीटर है, फर्स्ट फाइंड बी सी.
because BC is the hypotenuse of right angle triangle ABC. So by using Pythagoras theorem, BC square is equal to AC square plus AB square. 14 square plus 14 square. इसको मैंने open नहीं किया, because in algebra x square plus x square is equal to 2x square. So 14 square plus 14 square 2 multiply 14 square. BC is equal to under root 14 square का root होगा 14 and root of 2 is equal to under root 2. BC is equal to 14 under root 2 centimeter. BC is the diameter of semicircle. Then radius of semicircle r small r, तो आपने इसमें quadrant की radius लेट की है. Semicircle radius capital R 7 root 2. Area of semicircle, semicircle half circle, half pi r square. Now semicircle में से आपने BMC भी minus किया, remain area of the shaded portion. Very important question. In next question, in question number 8, we are given a circle and उस circle में एक right angle triangle है. Question में given है कि right angle triangle है, but we know that circle जो है उसका diameter, diameter ends जब भी circle पर angle बनाते हैं, mean वो होता है angle of semicircle, angle of semicircle. और angle of semicircle जो है वो 90 degree होता है. Angle of semicircle. Now we are given a circle. Circle given with center O. With center O. AB is the diameter of the circle. डायमीटर एंड्स जो है वो सर्कल पर एंगल जो भी बना रहे हैं सी, ये ट्राइंगल ए सी बी, एंड यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन. आपको ये शेडेड पोर्शन जो है ये फाइंड करना, एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन. अब ये शेडेड पोर्शन जो है इसका एरिया आप कैसे फाइंड करोगे? And we are given that AC is equal to 6 centimeter and BC is equal to 8 centimeter. Find the area of the shaded portion. Area of the shaded portion is equal to area of circle. Circle में से ये blank part, meaning triangle minus कर दो. Remain area of the shaded portion. First of all, area of the circle, pi r square. Radius given नहीं है, AB is the diameter. First, you have to find the length of AB. Because question number 8, because angle ACB is equal to 90 degree. Why? Angle of semicircle. Angle of semicircle क्या होता है? Angle of semicircle क्या होता है? Diameter ends. जब भी circle पर कहीं भी angle बनाए वो 90 degree होता है. Diameter ends circle के किसी भी point पर जो angle subtend करते हैं वो 90 degree होता है. तो ये ए सी बी एंगल जो है वो डायमेट्रिक एंड्स जो है वो सर्कल पर बना रहे हैं. सो वो 90 डिग्री होता है और इसे ये एंगल कौन सा होगा? एंगल ऑफ सेमी सर्कल, बिकॉज डायमीटर जो है वो सर्कल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है. सो डायमीटर एंड्स जब भी सर्कल पर कोई एंगल सबटेंड करते हैं वो 90 डिग्री होता है और वो होता है एंगल ऑफ सेमी सर्कल. सो ए सी बी इज 90 डिग्री इन ट्राइंगल ए बी सी, बिकॉज ए बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए सी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर. ए बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए सी स्क्वेयर, स्क्वेयर ऑफ 6, स्क्वेयर ऑफ 8. ए बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 100, ए बी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर. सो रेडियस, ये तो डायमीटर है ना ए बी, रेडियस ऑफ सर्कल, radius of circle r is equal to 10 by 2 is equal to 5 centimeter. 10 by 2 is equal to 5 centimeter radius of circle. Now first of all find the area of the circle. Area of circle is equal to pi r square. Pi 22 by 7 r, 5 multiply 5, 550 by 7,
इज इक्वल टू 78.757 सेंटीमीटर स्क्वेयर एरिया ऑफ सर्कल. सर्कल का एरिया फाइंड किया. नाउ फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी. एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज इक्वल टू हाफ बेस मल्टीप्लाई हाइट 6, बिकॉज एबीसी इज ए राइट एंगल ट्राइंगल. हाफ बेस इंटू हाइट 24 सेंटीमीटर स्क्वेयर. नाउ एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन. एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन, एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन क्या होगा इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल. सर्कल जो है उसमें से ब्लैंक पार्ट मेन ट्राइंगल जो है वो माइनस कर दो. माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी 78.57 ये सर्कल का एरिया. माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल 54.57 सेंटीमीटर स्क्वेयर एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन.